टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का विषय है द साइंस बिहाइंड 21 डेज लॉकडाउन। सबसे पहले देखते हैं यह चर्चा में क्यों है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के प्रसार को कम करने के लिए देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया था। 21 दिन का लॉकडाउन अतीत और वर्तमान के प्रकोपों के अध्ययन के आधार पर इस संख्या का महामारी विज्ञान में अर्थ और वैज्ञानिक आधार है। 21 दिन के लॉकडाउन के पीछे के विज्ञान को देखें तो इसकी गणना मानव शरीर में वायरस के इंक्यूबेशन पीरियड पर आधारित है। कोरोना वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड 14 दिन का है, यानी 14 दिन के अंदर संक्रमण के लक्षण उभरते हैं। अगले 7 दिन इसका संक्रमण दूसरों में होने का खतरा होता है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार कोविड-19 के लिए औसत इंक्यूबेशन अवधि लगभग 5 दिनों से अधिक है। 97.5% लोगों में संक्रमण के लक्षण 11.5 दिनों के भीतर उभरते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार संक्रमित लोगों से संक्रमण के प्रसार को रोकने का यह सबसे प्रभावी तरीका है। लॉकडाउन के कारण भवनों, वाहनों और सतहों का कीटाणु शोधन यानी डिसइंफेक्शन किया जाता है। कुछ संबंधित शब्दावलियों पर नजर डालते हैं। जनता कर्फ्यू, जनता के लिए जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इसमें लोग स्वेच्छा से घरों में रहते हैं और दूसरों के संपर्क में आने से बचते हैं। तालाबंदी यानी लॉकडाउन, एक आपातकालीन व्यवस्था जो महामारी या किसी आपदा के समय की जाती है। इसके दौरान लोगों को बेहद जरूरी कारण न होने पर घरों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होती। इस दौरान आपातकालीन सेवाएं जैसे मेडिकल, पुलिस सेवा, भोजन सामग्री, बैंक आदि को छोड़कर दूसरी सभी सेवाओं पर रोक होती है। सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों को एक दूसरे से लगभग 1 मीटर की दूरी पर रहना ताकि संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके। 1 मीटर की दूरी इसलिए जरूरी है ताकि किसी व्यक्ति के खांसने या छींकने पर वायरस के कण किसी दूसरे व्यक्ति तक न पहुंचने। अलग करना यानी क्वारंटाइन, यह उन लोगों को अलग करता है जिनमें बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं देते लेकिन वो संक्रमित लोगों के संपर्क में रहे हों। क्वारंटाइन ऐसे लोगों को दूसरों से दूर रखने की प्रक्रिया है ताकि वे अनजाने में किसी को संक्रमित न कर सकें। अलगाव आइसोलेशन, आइसोलेशन में उन लोगों को अलग रखा जाता है जो पहले से बीमार होते हैं। यह संक्रमित लोगों को स्वस्थ लोगों से दूर रखता है ताकि बीमारी को फैलने से रोका जा सके। संपर्क ट्रेसिंग यानी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यह उन लोगों की पहचान, मूल्यांकन और प्रबंधन की प्रक्रिया है जो संक्रमित व्यक्तियों के निकट संपर्क में हों। इन संपर्कों में अधिकांशतः परिवार के सदस्य, सहयोगी, दोस्त या रोगी की देखभाल करने वाले व्यक्ति होते हैं। इन व्यक्तियों के स्वास्थ्य की निगरानी से संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल एवं उपचार करने और वायरस के संचरण को रोकने में मदद मिलती है। अब देखते हैं आज का सवाल। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वारंटाइन में उन लोगों को रखा जाता है जिनमें बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं देते लेकिन वो संक्रामक लोगों के संपर्क में रहे हों। आइसोलेशन में उन लोगों को अलग रखा जाता है जो पहले से ही बीमार होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक और न ही दो। सही उत्तर है विकल्प सी।